नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। आजादी के 70 साल बाद भी देश में बाल विवाह की कुप्रथा जारी है, ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र के नागपुर में सामने आया है। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जिले में पिटेसुर गांव में कार्रवाई की गई। दरअसल नागपुर जिले के पिटेसुर गांव में 16 वर्षीय नाबालिग बच्चे की शादी का कार्यक्रम रचा जा रहा था। जिस दूल्हे से बच्चे की शादी हो रही थी उसकी उम्र 28 वर्ष थी, लेकिन जैसे ही इस बाल विवाह की सूचना जिला बाल संरक्षण अधिकारी मुश्ताक पठान को दी गई, प्रशासन सक्रिय हो गया। नागपुर कलेक्टर रविंद्र ठाकरे को भी इस मामले की जानकारी दी गई। जिला अधिकारी के निर्देश स्थानीय पुलिस को बाल विवाह की सूचना दी। इसके साथ मुश्ताक पठान पुलिस को लेकर पिटेसुर गांव में पहुंचे। हालांकि घटनास्थल पर रिश्तेदारों ने पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई का विरोध किया। हालांकि जिला बाल संरक्षण अधिकारी मुश्ताक पठान और पुलिस निरीक्षक वैजयंती मंडलधरे ने रिश्तेदारों को दोनों पक्ष के परिजनों को समझाया। प्रशासनिक अधिकारियों के समझाने के बाद दूल्हा और दुल्हन के रिश्तेदार मान गए और माता पिता को ताकीद किया गया। 18 वर्ष की आयु के पश्चात ही बेटिया की शादी करे। प्रशासन ने लड़की के माता पिता को 18 वर्ष बाद शादी करने का शपथ पत्र भी लिखवा दिया गया। हालांकि प्रशासन ने ऐतिहासिक नाबालिग कन्या को बाल गृह में रखा है। स्थानीय पुलिस के मुताबिक दूल्हा और दुल्हन के परिजन इस शादी को सगाई के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लिहाजा प्रशासन ने सावधानी के तौर पर दुल्हन को बाल गृह में रखा है। जल्द ही उसे परिवार में सौंप दिया जाएगा।